हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइब्रिड फंड के बारे में जो डिस्कस करने वाले, तो आज के जो वीडियो में हम देखने वाले कि तीन चीज़ के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिड फंड, क्या होता है, और जो रिस्क फैक्टर क्या क्या हाइब्रिड फंड के, और बेस्ट बैलेंस फंड 2018 के लिए कौन कौन से बैलेंस फंड होंगे। तो हम तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप पहले बताना चाहते हो कि हाइब्रिड फंड जो है वो म्यूचुअल फंड का एक टाइप में से मैं लिया गया हूँ। ये मिनिमम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो आपको 7 या 8 मार्क का आएगा, मतलब हार्डली। तो देखते हैं कि आज हाइब्रिड फंड क्या होता है। तो ये इसका आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है हाइब्रिड फंड। तो क्या बता है कि हाइब्रिड फंड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड फंड को हम बैलेंस फंड भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये मॉडर्न पोर्टफोलियो पे बेस होता है। अब पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर को ऑप्शन देता है कि नए नए इन्वेस्ट कर सकते हो आप, बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको बताना चाहते हो कि ओवर 800 म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसको देन इशू करता है कितना, सिर्फ 36 म्यूचुअल फंड इशू करता है। बताओ आपके पास 800 म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो ये हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, म्यूचुअल फंड हेल्प करता है इन्वेस्टर को। तो आप किसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने 800 मतलब म्यूचुअल फंड का स्कीम है, ठीक है। ये क्या होता है, पोर्टफोलियो पे बेस होता है, मॉडर्न पोर्टफोलियो पे बेस होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड बैलेंस फंड भी बोलते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट फंड भी बोलते हैं। ये किस पे बेस है, मॉडर्न पोर्टफोलियो पे बेस है, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि, और ये क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है, इक्विटी और डेट का कम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको हम ना मर्ज करके मतलब बताएं कि अभी आप टाइप में देखोगे तो ओपन एंडेड फंड होता है और क्लोज एंडेड होता है, उसके बाद आपको इक्विटी आता है और डेट आता है। तो ये क्या होता है कि हाइब्रिड क्या होता है कि दोनों को मर्ज करके आपको कम्बिनेशन बताया कि इक्विटी और डेप में क्या होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि अब हाइब्रिड फंड का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है। मीनिंग ऐसा बोल सकते हो कि हाइब्रिड फंड आर दोस फंड विच जनरली इन्वेस्ट इनटू टू असेट टू मोर देन टू असेट लाइक डेप एंड इक्विटी, इट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड फंड, ठीक है। सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो टू और मोर असेट में होता है, इक्विटी और डेट में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम हाइब्रिड फंड एक्चुअली होता क्या है। अभी इसमें टाइप्स और इस फैक्टर साथ साथ में लेके चला गया है, क्योंकि आप देखो आप तीन ही टाइप के, कंजर्वेटिव, बैलेंस एंड एग्रेसिव, ये तीनों का मतलब क्या होता है, ये आपको ये बताते कि रिस्क फैक्टर किसमें किस पे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी और डेप होता है, ठीक है, दो होता है मार्केट, इक्विटी शेयर एंड डेप सिक्योरिटीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी 20-30% तक होता है, यहाँ पे डेप क्या होता है 80-70% होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है कम, बिकॉज इक्विटी में क्या होता है, आपको रिस्क मिलता है, डेप में क्या होता है, फिक्स आपको इनकम मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। इक्विटी में क्या, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर की बात करेंगे, यहाँ पे क्या जो डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, तो यहाँ पे क्या रिस्क कम होता है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट कितना 20-30 कर रहे थे और इसमें 80-70 इनको जो इंटरेस्ट मिलने वाला होगा इसमें क्या होगा, मोर मिलेगा, ठीक है। अब बैलेंस की बात करें, बैलेंस मतलब क्या, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बीच में इक्विटी और डेप में क्या होता है कि यहाँ पे बैलेंस बराबर होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इन्वेस्ट जो शेयर होल्डर होता है उनको क्या प्रॉफिट भी नहीं होता, लेस मतलब बैलेंस पे चलते हो लोग, ठीक है। अब एग्रेसिव मतलब क्या होता है, एग्रेसिव नाम मीनिंग से पता चलता है कि गुस्से वाला। अब गुस्से वाला तो मतलब रिस्क लेगा लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि इक्विटी का जो होता है 65-80 होता है और डेप होता है 20-35 होता है, ठीक है। एग्रेसिव में जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग लेने वाला होता है, इससे उसका जो रेटिंग परसेंटेज दिया है इक्विटी का 65-80 दिया है और डेप में क्या हो रहा है 20-35 तक लिया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि टाइप भी होता है, कंजर्वेटिव, बैलेंस एंड एग्रेसिव, इसकी रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया कि पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो देख लीजिए कि आप पे डिपेंड है कि आप किस में इन्वेस्ट करें, ऐसा म्यूचुअल फंड कैसा है। म्यूचुअल फंड आपको बहुत सी एवेन्यू स्कीम देता है कि आपको जैसा लगता है आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेशन बैलेंस क्या एंड डेप ओरिएंटेशन बैलेंस में क्या है कि आपको पोर्टफोलियो बताता है कि यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में 65% ऑफ शेयर ऑफ मार्केट एंड 35% ऑफ डेप मार्केट, ठीक है। डेप में क्या होता है, यहाँ पे 65% डेप मार्केट होता है, 35% ऑफ मार्केट शेयर होता है। आप इससे बायफैक्टर कर सकते हो कि रिस्क टेकिंग फैक्टर कहाँ पे, उसके बाद यू कैन चूज वट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर इक्विटी, आपको इस कम्फर्टेबल हो रहा है डेप हो रहा है, आप उसमें दोनों में से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा म्यूचुअल फंड आपको स्कीम देते हैं कि आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। अब ठीक है, हम देखते हैं कि बेस्ट बैलेंस फंड 2018 के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको आपके लिए तीन सबसे बेस्ट बैलेंस फंड आपके लिए तीन हुए हैं, HDFC म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड एंड ICICI म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये जो तीनों कंपनी है, तीनों कंपनी का आप प्रोग्रेस देखोगे पिछले 5 ईयर में,
फाइनल में देखोगे आपको क्या है इसमें, जो HDFC फर्स्ट HDFC की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इक्विटी को जो पिछले 5 ईयर में आपको 18% इंटरेस्ट मिला गया है, तो इससे पता चला कि इनका जो बेस्ट बैलेंस फंड कितना इफेक्टिव हो गया है। तो HDFC में बहुत से लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत से हार्डली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि 80% रिटर्न मिलना कुछ अच्छी बात होती है। देन जो रिमेनिंग जो परसेंटेज बच रहा है वो डेप में कर रहे हैं, और डेप में जो मार्केट कर रहे हैं उसमें ट्रिपल रेटिंग के लिए भी शेयर इशू करे, ट्रिपल रेटिंग रेशियो हम देते हैं AAA BBB, उसमें HDFC का हम लोग करते हैं, ठीक है। अब L&T की बात करें, L&T में भी क्या है, इसमें भी 80% दिया गया है, इसमें भी 80% किसको दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया गया, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को 80% दिया गया है। और इसमें क्या हो, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ शेयर इन्वेस्ट बचे हैं वो भी डेप में हम लोग करें, उसमें भी AAA रेटिंग से हिसाब से हम शेयर करें, मतलब शेयर किया गया है इसमें। आप ये समझ सकते हो कि दोनों मार्केट में, मतलब दोनों म्यूचुअल फंड में आप इतना बेनिफिट कमाए 5 साल में कि 20 साल में, कि इक्विटी शेयर को 80% दे दिया गया, जो बाकी रिमेनिंग बचा गया है शेयर वो डेप में दिया गया, वो भी AAA रेटिंग में दिया गया, ठीक है। ICICI की बात करेंगे, यहाँ पे भी 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर में भी बेस्ट 5 ईयर में 80% का इंटरेस्ट रेट मिला गया, किसी इक्विटी शेयर को मिला गया है। और जो यहाँ का जो डेप बचा है वो भी एकदम परफॉर्मेंस वेल का, AAA जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी उसमें भी जो AAA के हिसाब से आपको शेयर का दिया गया था। तो आपको ये बेस्ट बैलेंस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड में, ऐसा स्कीम है कि आपको आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा बेनिफिट रहेगा, कि आप पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको इन एग्ज़ाम के लिए भी और रियल लाइफ के लिए, ठीक है। आपको इसमें से कुछ ऐसा डाउट आ रहा है कुछ, तो आप जस्ट एड योर कमेंट, आई विल गिव रिप्लाई। एंड आपको और कुछ टॉपिक की वीडियो बनाना है तो ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक है एक FMO का, उसमें आप दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, आपको मुझे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।